ग्वालियर के बड़ापुर थाना इलाके में प्रतिबंधित डोडा चूरा से भरी दिल्ली नंबर की एक कार बरामद हुई है। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उससे 3 लाख का डोडा चूरा बरामद हुआ। इस आधार पर पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और कार मालिक की जानकारी जुटाई जा रही है। SP ग्वालियर राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि पुलिस रूटीन चेकिंग पर पहुंची थी, तभी सागरताल इलाके में पुलिस को संदिग्ध रूप में खड़ी दिल्ली के नंबर की कार नजर आई। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें तकरीबन 7 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए के करीब आकी गई है। कार के नंबर और इंजन चेसिस के आधार पर पुलिस कार मालिक की तलाश कर रही है और पता लगाया जाएगा कि डोडा चूरा कहाँ सप्लाई किया जाना था। बौड़ापुर में एक सूचना मिली थी कि गाड़ी खड़ी है संदिग्ध स्थिति में, तो उस पर यातायात वालों द्वारा बताया गया इसको थाना प्रभारी को, तो मौके पे जब पहुँचे हैं तो वो उसमें काफ़ी इस तरह की संदिग्ध चीज़ें रखी थी बोरी में, जिसको दिखा गया तो 7 किलो करीब बोरा डोडा चूरा मिला है उसमें। तो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, ये XUV500 में मिला है करीबन, ये कुल मिला के मेरा ख्याल 3 लाख का डोडा चूरा है और एक गाड़ी भी है 5 लाख के आसपास। किस तरह की कामयाबी मिली हम लोग ये पता कर रहे हैं कि किसकी गाड़ी है और कहाँ से आया। कोई आरोपी इसमें अभी कुछ पता पड़ा इसमें अभी नहीं पता लगा।